जी वेलकम टू अन अकेडमी, वेलकम टू आर चैनल नॉलेज 365। तो मैं हूँ रजत पारिक, आपका जनरल साइंस मेंटोर, और आई एम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। आई हैव क्रैक सम एग्जाम्स लाइक एसएससी सीपीओ 2016, रेलवे एएलपी एंड एसबीआई क्लर्क 3। आज फिजिक्स में अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अन अकेडमी आपको क्या देता है, उसके सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, प्लान लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको बैक टू बैक फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जैसा आपको सूटेबल लगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अवेलेबल रहते हैं एवरी टाइम एट द वीकेंड। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, चाहे बैंक का कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का कर रहे हैं, चाहे गेट का कर रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको अपने सब्सक्रिप्शन का, राइट। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म इज अ वेरी इजी प्रोसेस। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे मैनेज गोल्स ऑप्शन में जाके, फिर वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी प्लान्स की सारी। प्लान्स 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के होते हैं, जिनका प्राइस बहुत रीजनेबल है। लाइक 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो 7200 की प्राइस होती है। ओके, गुड इवनिंग, आई एम गुड दीपाली। ओके, 7200 का जो प्राइस है उस पर भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अगर आप इस प्रोमो कोड को पेमेंट करने से पहले पेस्ट करते हैं उस जगह पे अपने अप्लाई प्रोमो कोड वाले ऑप्शन में जाके RP100 को। ओके, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपको वो लेस हो जाता है अमाउंट हर प्लान पे, चाहे वो प्लान 1 मंथ का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 6 का हो, 12 का या 24 का। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन आज करेंगे बहुत ही अच्छी क्विज, प्रैक्टिस क्विज, न्यूमेरिकल बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड, और जैसे अपन करते आ रहे हैं कुछ हटके, कुछ अलग, ठीक है। गुड इवनिंग नितिश, गुड इवनिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इसको फोड़ दीजिए फटाफट से, फटाफट इसका आंसर निकाल के मुझे दे दो। आपके आंसर्स आएंगे उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, जल्दी से इसका आंसर निकाल के मुझे बता दो क्या आंसर हो सकता है। एक सही आंसर आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। What is the heat generated in a heating element of resistance 900 ohm? किसी element का resistance 900 ohm है, जिसमें से 0.3 ampere current pass करती है 10 second के लिए, तो उसका heat generated जो निकल के आएगी H, उसकी value क्या होगी? फटाफट 30 questions हैं, कल से different हैं, ठीक है? अच्छा answers आ गए हैं, first का A, SK ने दिया है 810, यानी B। Good evening SK, okay? तो ठीक है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही है किसका सही नहीं है। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई दे रखा है 0.3 एम्पियर है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है 900 ओम, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ये तीनों इनकी यूनिट भी जो है बिल्कुल सही दे रखी है। टाइम अगर आर में दे रखा होता तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो 9000 हो जाएगा, 900 का 10 मिनट टू करूंगा तो इधर 0.3 का कर दीजिए तो 3, 9, 27, 1, 2, 3, 1 पॉइंट उठ जाएगा, आंसर आएगा ए 2700 इज द राइट आंसर, 2700 जूल, ठीक है ना, 2700 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है नितिश आपका आंसर सही है, 2700 इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि अपन लोगों को 30 क्वेश्चन करने हैं पूरे। फाइंड द करंट इन एम्पियर व्हेन अ 500 कूलाम चार्ज होता है, फ्लो करता है जब 25 सेकंड में, तो करंट निकालनी है आपको, निकालिए फटाफट से। एक बार फिर से देखूं, लो देख लेता हूं, आई स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, 0.3 का स्क्वायर करना भूल गए अपन, ठीक है ये मिस्टेक हो गई, तो 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा, 0.09 होगा, ठीक है आंसर चेंज हो जाएगा, सही बोल रहे हो, ठीक है जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने क्यों जल्दी करी यार, 3, 3, 9 हो जाएगा, ठीक है, और 0.09 हो जाएगा, तो 9981000 दो के बाद 0, 810, बिल्कुल सही आंसर है आपका इसके यार, थैंक यू सो मच। जल्दबाजी नहीं करनी बहुत ज्यादा, अब आराम से करेंगे, अब ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है 810 आंसर आएगा। ए इज द रॉन्ग आंसर, आई स्क्वायर था, अपन ने भी जल्दी कर दी, मैंने आपका आंसर देख के थोड़ा सा आई स्क्वायर की जगह आई लिख दिया था, ठीक है स्क्वायर कर दीजिए, 810 जूल इज द राइट आंसर, ठीक है ओके। अब इसका आंसर दे दो फटाफट से, अब देख के देंगे आंसर, गलती नहीं होनी चाहिए। Find the current in ampere when a charge of 500 coulomb flows in 25 seconds.
सेकंड का बी आया है नितिश का। नितिश इस बार सही आंसर दिया ना भाई, तुम्हारा आंसर देख के मैंने उसका जल्दी जल्दी में कर दिया, देख लो तुम। सही आना चाहिए इसका आपका आंसर, ये तो देखने से सॉल्व हो रहा है। सही आंसर है बिल्कुल, जिनका 20 आया है वो सही आंसर है। ओके बी आंसर होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है इसको तो। आई इज इक्वल टू, आई का डेफिनेशन होती है करंट की, चार्ज फ्लो इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, 500 कूलम चार्ज है, टाइम 20 सेकंड नहीं है, 25 सेकंड है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 20, 20 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? हाँ हाँ जी। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 10 कूलम मूव्स अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। हाँ, 10 कूलम चार्ज मूव करता है कितने वोल्टेज में? 2 वोल्टेज में। तो आपसे वर्क डन पूछ रहा है, बताइए। सब बता चुका हूँ, सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, वर्क डन क्या निकलेगा? 10। मेरे को क्या बोलते हैं, इनसे बोलूंगा, क्या नाम है, शेफाली, शेफाली मुझे फॉर्मूला मत लिख के दो, आप आंसर लिख के दो। फॉर्मूला तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आप मुझे आंसर दो, जैसे सब आंसर दे रहे हैं वैसे आंसर दो। ठीक है, हाँ 20 आपका आंसर है, 10 आंसर है एसके का, है ना? और बाकी दो कोई आंसर किसने निकाला हो तो 20 10 आंसर आ चुके हैं। W का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है करंट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब अपन लोगों ने पढ़ा था तो वोल्टेज की डेफिनेशन होती है, जो वर्क डन करता है चार्ज को ले जाने में, इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन जो करता है चार्ज को ले जाने में फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू अ नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है। आपसे वर्क डन पूछ रहा है निकालने को, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी क्यू हो जाएगा। वी कितना है आपका? 2 वोल्ट, और 10 हो जाएगा कूलाम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 जूल। ठीक है, ये 2 × 10 क्या होता है? 2 है वोल्ट, ये है कूलाम। ठीक है ना, तो गलत आंसर किसने दिया है? हाँ जी, थर्ड का आंसर तो ये आ रहा है, ए ए किसका है? भाई ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू तो होता है। आपसे क्या निकालने को पूछा? वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा? वी इंटू क्यू होगा। आपने उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं? आपने डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बाई क्यू तो नहीं कर दिया है? ये गलत है फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 10 कूलाम भी तो है, 10 में 2 का गुणा हो जाएगा, 20 जूल आ जाएगा आंसर। वर्क डन एनर्जी सबकी यूनिट क्या होती है? सबकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, ओके, अब तो मैं ठीक हूं, अब तो मैंने गलती नहीं करी। ठीक है, तो इसका 20 आंसर आएगा। ठीक है, 20 जूल। ओके जल्दी जल्दी आंसर दो सब फटाफट से, है ना, पंक्चुअल की स्पेलिंग सही करो। फाइंड द रेजिस्टेंस मेगा ओम ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर। ठीक है, लेंथ 8 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। मेड ऑफ अ मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता है 120 ओम मीटर, ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस निकाल दो, अब सही आंसर दो फटाफट से, फॉर्मूला सबको पता है, निकाल दो फटाफट से। हाँ चौथे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं पूरे इसी टाइप के। जितना जो कीड़ा है ना दिमाग में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कैसे, सब बता रहा हूँ मैं तुम्हें आज। और ये सारे न्यूमेरिकल एसएससी एनटीपीसी रेलवेज में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, 4.8 आंसर आया है 2 जन का, एसके का और शेफाली का, 4.8 ओम ये आंसर आया है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, और भी लोग हैं आंसर दे सकते हैं, किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो आंसर दे दीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ρ L/A। ठीक है, रो कितना दे रखा है? रेजिस्टिविटी 120 ओम मीटर, ओम मीटर ही होती है इसकी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कितनी होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस निकालना है मेगा ओम में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो आपने जो बोला है 4.8 मेगा ओम, ठीक है, ये मेगा ओम की वैल्यू है। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। ठीक है ना, तो देखिए निकाल देते हैं। लेंथ दे रखी है आपको कितनी? मीटर में दे रखी है, बिल्कुल सही है, 120 × 8 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड मारते हैं, 2 सेंटीमीटर को करने के लिए 100 का फिर से डिवाइड मारते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 2 है तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 100,
सौ इंटू सौ से, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 50, यानी एक बटे, यहाँ पे लिख दो आप 2 × 100 × 100, ऐसे कर सकते हैं। इन 200, 10,000 का डिवाइड मार दिया दो में, मैंने ऊपर चले गए 10,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको कैंसिल आउट कर दो 60 से, 6 × 8 = 48, 480 × 10, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये अगर 4.8 बोल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 480 में से 48 रहने दूंगा, और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला, मेगा, अरे मिली लिख दिया, मेगा तो 6 होता है, ठीक है ना, 10 की पावर 6 होता है मेगा, है ना, मिली होता है 3, 10 की पावर, आपका 10 की पावर 3। एक सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो 4.8 करना है तो 10 का डिवाइड मारेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4.8 × 10⁶ ओम, ठीक है। ये आंसर क्लियर है सबका, 4.8 मेगा ओम, मेगा बोला है ना, तो मेगा क्या होता है, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, मेगा, ठीक है, 4.8 × 10⁶ ओम। तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, नेक्स्ट बार जाऊं। हाँ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, यानी डी टी ग्राफ क्या देता है, जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दे दो इसका फटाफट से एक बार। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या देता है, हमेशा उसका फॉर्मूला जो होता है वही देता है, यानी स्पीड इज द करेक्ट आंसर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताया था फिजिक्स के अंदर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बना लोगे, यूनिट बना लोगे और ग्राफ भी बना दोगे, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, स्पीड इसका सही आंसर है, ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कह रहा है इफ आई स्टार इज बिगर देन सन, यानी सन जो है कोई स्टार है, सन भी एक स्टार होता है, उससे भी बड़ा कोई स्टार है ना, ये बोल रहा है एक स्टार जो बड़ा है सन से, बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, इससे दुगुना नहीं है, इसके दुगने से कम है ना, ये बोलना चाह रहा है, मोर देन, नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, अगर ये 10 किलो, 10 ऐसे मान लो 10 किलो का है, तो ये 20 किलो से ज्यादा नहीं है, 20 किलो से कम है, ऐसे समझ लो, इट विल टर्न इनटू आ, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर बताइए इसका। 6th का ए आंसर दिया है ना, बहुत ही सही आंसर दिया है, ठीक है ना। देखो ये पल्सर जो होता है ना, एक बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन तारा होता है, न्यूट्रॉन का स्टार होता है, ठीक है ना, जिसको अपन व्हाइट ड्वार्फ भी कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन इसको, कॉस्मोलॉजी में व्हाइट ड्वार्फ भी बोला जाता है, ड्वार्फ मतलब बड़ा होता है ना, भीमकायत्व, ड्वार्फिज्म, ओ सॉरी, ड्वार्फ मतलब छोटा होता है, व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है, और गिगेंटिस मतलब होता है बड़ा, जिसको भीमकायत्व बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वैसे अगर तारों में देखा जाए तो ये सन से बड़ा होता है, सन से दुगने से कम होता है, सन के दुगने से कम होता है, और ऐसा एक तारा जो सन के दुगने से कम होता है वो कौन सा तारा होता है, पल्सर होता है, ठीक है ना, यानी कि अगर इतना बड़ा तारा जो जब सन से दुगने से थोड़ा सा कम कोई स्टार है तो उसके अंदर क्या होगा, कोलैप्स होगा, कोलिजन्स होंगे बहुत सारे, और जब कोलिजन्स होंगे तो स्प्लिटिंग होगी, और वो जो एक प्रॉपर्टी होती है वो पल्सर की होती है, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार में आपको देखने को मिलता है, कॉस्मिक क्लाउड्स कहते हैं इनको, कॉस्मिक रेज निकलती है अंदर से, हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, नहीं इसका आंसर क्या होगा, पल्सर होगा 100% करेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जर्क, जर्क की यूनिट क्या होगी इनमें से, जर्क की यूनिट क्या होगी, जर्क होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलूं, वैसे मैं आपको एसएससी की लैंग्वेज में बताऊंगा मेरे को, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी को जर्क बोला जाता है, या बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोला जाता है, दोनों ही डेफिनेशन है, ठीक है, बताइए। मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर, ये क्या आंसर हुआ, मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर, ये बोल रहे हो आप मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर का आंसर होगा, हाँ करेक्ट, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, तो आंसर क्या दिया आपने, 7th का सी,
मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर, ठीक है, देख लेते हैं। इसको बोलते हैं, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको फिर कैलकुलेट करोगे तो बनेगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फिर से आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करोगे सेकंड डेरिवेटिव, तो आपका एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को आप फिर से कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा जर्क, ठीक है। इसको सर्ज भी बोलते हैं, सर्ज, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें, सर्ज और जर्क एक ही चीज है। यानी रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन निकालने की दर जो होती है वो जर्क होता है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन की दर है, क्या है, एक्सेलरेशन की दर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टाइम जो है, जो ए बाई टी दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है जर्क का, ठीक है, निकालते हैं। एक्सेलरेशन ये लिख दिया आपने, अपॉन में वन अपॉन टाइम है तो सेकंड भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। आप लोगों ने आंसर क्या किया है, मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर, ये आंसर क्यों किया आपने, मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर, बताइए जरा एक बार, देख लो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड से, तो क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड क्यूब बचेगा, नहीं बचेगा, कोई डाउट है इसमें, बताओ जल्दी से। हाँ, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बिल्कुल, इसमें बताओ कोई डाउट है मीटर पर सेकंड क्यूब में किसी को, यह क्लियर है बिल्कुल। अब जर्क, जर्क की यूनिट, हाँ जी, बोलेंगे कोई, कोई दिक्कत, ये मीटर पर सेकंड क्यूब स्क्वायर क्या होता है, ये तो पूछ रहा हूं। हाँ, आपने सी आंसर दिया क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं, गलत है, मीटर पर सेकंड क्यूब तक आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपने, कैसे उसको स्क्वायर, क्यूब का क्यूब स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की आपको पावर निकालनी है इफ द इमेज, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, ठीक है ना, इतना ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इसमें इमेज फॉर्मेशन होते हैं लेंसेज और उसके डायग्राम्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेट टू बी इन, वो कौन सा मोशन होता है। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, पहले एक सेकंड में कवर करता है 3 मीटर, अगले एक सेकंड में कवर करता है 4 मीटर, उसके अगले एक सेकंड में कवर करता है 2 मीटर, ऐसा बोल रहा है ये। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में टाइम रिमेन्स सेम और जो डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा, तो ये मोशन कौन सा मोशन होता है। हाँ, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज विच काइंड ऑफ मोशन, बताओ जल्दी से एक बार। अरे भैया आंसर दे दो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं। 9th का बी, लीनियर मोशन तो दोनों ही होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दोनों लीनियर हो सकते हैं, बट ये लीनियर की भी कौन सी क्वालिटी है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है ना ये, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, जो असमान दूरियां तय की जाती हैं समान समय के अंतरालों में, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए जाते हैं सेम टाइम इंटरवल्स में, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब समान दूरियां तय की जाती हैं समान समय के अंतरालों में, यानी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए जाते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है ना। आज ये नेक्स्ट, देयर इज अ प्रोटोकॉल साइंड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं गैस रेफ्रिजरेटर्स एसीज में से गैसेस निकलती हैं और जो ओजोन लेयर को खत्म कर रही हैं, उसके लिए एक एक वो हुआ है, समझौता हुआ है,
है ना, यूएन में जाके, यूनाइटेड नेशंस में, कि इसको खत्म करना है, ये खत्म जो करे जा रही है इसको रोकना है अपन को, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है। यूवी प्रोटोकॉल आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मैच कर रहा है, जबकि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है ना, सही आंसर किया है मॉन्ट्रियल जिसने किया, इट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी इनमें से, हर्ट्स, बाइट, बिट, मिलीमीटर। हर्ट्स, बाइट, बिट, मिलीमीटर, लेंथ की यूनिट क्या होगी। हाँ भाई, मिलीमीटर ही होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इजी क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होगा फॉर्मूला डिस्टेंस का। आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, इसका आप बताओगे 13th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप बताओगे। क्या क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, क्वेश्चंस छोटे दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है कुछ। थर्टींथ का ए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जी की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 R फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ बोल रखा है। अब इससे भी 2 R डिस्टेंस पे जो G की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये पूछ रहे हैं, है ना। इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से दूर, ठीक है, तो ये R टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का दूरी, वही डिस्टेंस होता है ना ग्रेविटी में। तो ये R+2R हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3R। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा एक्सेलरेशन और कैपिटल जी के बीच का, GME/R² वाला। ठीक है, तो यहां पे थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GME/R², जब आर बढ़ गई तो क्या हो गई, GME/3R का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से निकलता है, एफ इज इक्वल टू GM1/M2/R² से, है ना, ये आपने 100% सुना होगा, डायरेक्ट पूछा भी जाता है। तो जो नई जी डैश आएगी, जी डैश जो आएगी वो क्या आएगी, GME/9R², तो क्या हो जाएगी जी की वैल्यू, पहले जी की वैल्यू ये थी, अब जी की वैल्यू क्या हो गई, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू किसकी है, इसकी है जी की, तो G/9 हो गया। हो गया नहीं हो गया G/9, ये देख लो G/9 हो गया नहीं हो गया, बताओ कोई डाउट। हाँ भाई, G/9 हो गया। R+2R करना है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो रहेगी ना वो सरफेस से 2R+2R में, R तो पहले था ही। ठीक है, G/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगी, 4 R है, 5 R है, तो +R भी कर देना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हैं इसमें से, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। फटाफट से आंसर कर दीजिए इस चीज का, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर हैं, अदिश, सदिश, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो क्या है, स्केलर हैं, इसका आंसर कर दीजिए। वेट, W, Mg, इंपल्स, Ft, शॉर्ट, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेक्टर है, वेक्टर, ये देर आंसर सी, वेक्टर है। ठीक है,
जल्दी से आंसर दो बाकी सब। कमेंट्स दिख नहीं रहे यार। एक सेकेंड, कमेंट्स नहीं दिख रहे। एक सेकेंड बस, अब आ जाएंगे। देखो हाँ अब ठीक है। क्या बोला मैंने, वेट वेट पहला था, इम्पल्स था, ठीक है ना। देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस आंसर दे रहे हो ना, इसको निकाल लेते हैं क्या है? एक सेकंड इसको मिटाते हैं। यंग्स मॉडुलस अगर आंसर दे रहे हो या वेट दे रहे हो, देखो वेट तो स्केलर होती है, इसमें कोई डाउट है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका आंसर वेट तो है ही। इम्पल्स, इम्पल्स आपकी क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स आपकी वेक्टर होती है ना। वेट जो है आपकी स्केलर है या वेक्टर है, जल्दी बताओ। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है ना, तो वेट आपकी क्या हो जाएगी? इसकी भी डायरेक्शन। वेक्टर इनटू वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इनटू वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। ये जो है ये वेक्टर है, इम्पल्स। जो यंग्स मॉडुलस है इसका देख लेते हैं एक बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन आपकी फोर्स होती है, मीटर स्क्वायर इसका स्ट्रेन होता है एरिया में। न्यूटन फोर्स हो गई, ये अपॉन एरिया हो गया, तो वेक्टर अपॉन स्केलर इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है। तो ये भी स्केलर हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन ये वेक्टर होती है, तो आपके इसमें आंसर कितने आ रहे हैं? हाँ जी आंसर आपके आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो वेट और यंग्स मॉडुलस में दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने निकल के, तो अपन दो ऑप्शन को कंसीडर कर लेते हैं। इसमें वाला ऑप्शन देने रखा बोथ ए एंड सी का, तो दो स्केलर हैं, बाकी सब क्या है? वेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क होता है। एक सेकंड जो वेट बताया मैंने, वेट बताया, एक सेकंड देखना, मैं वेट को वर्क पढ़ रहा हूँ, ये वर्क होता है, सॉरी क्या होता है? ये वर्क, वेट का चेक कर लेते हैं। वेट होता है एमजी, एमजी में देखिए क्या बोलते हैं, एम जो है वो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, जी होती है वो आपकी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये टोटल में क्या निकल के आएगी? इस तरह से वेक्टर इंटू स्केलर आपकी निकल के आएगी, आपकी वेक्टर इनटू स्केलर करा आपने, यंग्स मॉडुलस आपका क्या हो गया? स्केलर। इस तरह से ये वेक्टर निकल के आएगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। याद रखिएगा, स्केलर इनटू स्केलर एंड वेक्टर इनटू वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है ना। हाँ वेट वेक्टर है, मैं वेट को वर्क रीड कर गया था, क्या क्या रीड कर दिया था मैंने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। वेट है एम जी है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। तो इसका आंसर एक ही है सिर्फ, यंग्स मॉडुलस। क्या आंसर है इसका? यंग्स मॉडुलस। ये आपकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। यानी इसको आप ऐसे याद रखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट्स है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। हाँ, मैं वर्क रीड कर लिया था उसको। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बोल रहा है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेट टू बी इन, जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो ऑब्जेक्ट किस मोशन में होता है? हाँ तुम्हारा सही है, ठीक है, सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे भाई, आज ऐसे थोड़ी ना बढ़ेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो
उसको कौन सा मोशन में कहा जाता है? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है उसको। हाँ, अभी ये इसको थोड़ा बड़ा, मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज एनलार्ज कर दूंगा अगली बार से। अभी थोड़ा सा देख लो यार, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही पेस्ट हो गया मुझसे ना, जो अपने अभी बनाया है ना स्लाइड्स, इसमें थोड़ा छोटा है, पर ऐसा नहीं है, मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है अपनी पे। ठीक है, आप स्क्रीन को लैंडस्लाइड मोड पे कर लो, लैंडस्लाइड मोड पे कर लो, उससे अच्छे से दिखेगा। ठीक है, बड़ा ही लेता हूँ मेरे पास आज, इस बार थोड़ा छोटा छोटा टाइप कर दिया। ठीक है, 16 डैश इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझिए। मॉइस्चर जो होता है एयर के अंदर, नमी होती है, वो किसका मेजर होता है? क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी इसका आंसर है, सही, ठीक है ना, ओके। ह्यूमिडिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम। किस मोशन के दौरान जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ में बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी सेम है, कौन से मोशन में ऐसा होता है? लीनियर, ट्रांजिशनल, यूनिफॉर्म, इक्विलिब्रियम। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। क्या आंसर होगा इसका? वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, स्ट्रेट लाइन में जा रहा ऑब्जेक्ट अगर, तो कौन सा मोशन होगा? इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम कोई मोशन थोड़ी ना होता है? अरे बता दो भैया, ऐसी क्या बात है। स्ट्रेट लाइन जहां दिख जाए वहां पे लीनियर मोशन होता है, कैसा होता है? लीनियर, ठीक है ना, कौन सा मोशन होता है? लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 18th क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? अभी बताया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब फोर्स, स्ट्रेन मतलब वो एरिया जिसमें इलोंगेशन या एक्सपेंशन आया है, तो न्यूटन होती है, स्ट्रेस मतलब फोर्स होती है एक तरह की, स्ट्रेस एक तरह की फोर्स होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं अपन? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट भी तो होती है, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही यंग्स मॉडुलस की होती है, पास्कल बोलते हैं। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। ठीक है, जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की, वर्क डन की। ठीक है ना, अर्ग किसकी यूनिट है? अर्ग एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन कैसी? सीजीएस, ऐसा ही यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट। देखिए, सेंटीग्राम सेकंड। ठीक है, सारे बता दिए, और पास्कल इसका सही आंसर है। कैलिडोस्कोप जो है वो किसने इन्वेंट किया था? कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो अगर कई सारे मिरर्स आपस में इंक्लिनेशन में ऐसे रख दिए जाएं, मिरर्स आपस में बड़ा बड़ा कर रख दिए जाएं, तो एक प्रॉपर इमेज बना के दें वो किसी एक ऑब्जेक्ट की, उसके लिए काम आता है कैलिडोस्कोप। किसने किया था डिस्कवर? डेविड ब्रूस्टर ने किया था। किसने किया था? डेविड ब्रूस्टर ने। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स, कम टेम्परेचर्स को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर आप देंगे, वेट कर रहा हूं। कम टेम्परेचर्स को मेजर करने वाला, लो टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? कम टेम्परेचर्स को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? दे दो भैया आंसर फटाफट से, चेक कर रहा हूं मैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। हाँ,
स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर हैं। हाँ जी, नहीं दोगे आंसर? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट देखो, स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर्स में कंसीडर किए जाते हैं। क्या आंसर दिया आपने? काइरोमीटर। अच्छा, स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइरोमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। एक फ्लोट करती हुई बॉडी जो होती है उस पर ऊपर की दिशा में जो फोर्स लगती है उसे कौन सी फोर्स कहा जाता है? जर्क, बायोन फोर्स, आर्किमिडीज मेटल फोर्स लिख रखा है, एंटी ग्रेविटी लिख रहा है। बताइए इसका आंसर फटाफट से। ठीक है, करेक्ट आंसर है बायोन फोर्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बायोन फोर्स। आर्किमिडल फोर्स नहीं होती है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अंदर एक फोर्स होती है, वो बायोन फोर्स ही होती है। ठीक है ना? बायोन फोर्स होती है जो फ्लूड्स पे लगती है, गैसेस पे और लिक्विड्स पे। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन, किस मोशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड? ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किस मोशन में करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, स्पिनिंग का मतलब होता है जैसे एक ऑब्जेक्ट ये रहा, अब स्पिन आंसर दे रहा हूं, बताता हूं। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट घूमता 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 ऐसे घूमता रहे, टकरा के कॉन्टेक्ट में आके, उसे स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा तो हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन तो दूर है ना, इससे दूरी है इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑर्बिटल हो जाएगा। ऑर्बिटल करा आपने? ठीक है ना, ऑर्बिटल इज द राइट आंसर। यार ऑर्बिट्स में घूम रहा है ना, सैटेलाइट्स की तरह। Which among the following is false about work? Work के बारे में इनमें से क्या बात गलत है? इसका आंसर करिए फटाफट से। वर्क के लिए कौन सी बात इसमें से गलत है? वर्क के बारे में इसमें से कौन सी बात गलत है? Which among the following is false about work? बी, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, ये गलत है। वर्क डन तो नेगेटिव हो सकता है अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल रख दूं कॉस 180। ठीक है ना? तो ये कॉस 180 वैल्यू -1 होती है, तो माइनस ऑफ एफ टी वर्क डन उल्टा लग जाता है, ये तो लग सकता है, तो रॉन्ग आंसर हो गया इसके हिसाब से। और आंसर क्या आया है? एक सेकेंड रुको, रुकना। हाँ, ये देखो ये क्या लिख रहा है, तुम बोल रहे हो ना वर्क डन स्केलर नहीं है वेक्टर। क्या बोला तुमने? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, मैंने स्केलर ही बताया था वर्क को, पर मुंह से बोल दिया था वर्क को गलती से वेट, ये फर्क आया था। निकालने का तरीका जो है ना लॉजिक, वो यही होता है, स्केलर ही है वर्क, मैंने वेक्टर बताया नहीं वर्क को एक बार भी। ठीक है, दोबारा से वीडियो देख लेना एक बार, मैंने वेट को वर्क बोल दिया था, दैट वाज द मिस हैपनिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। वेक्टर नहीं है, चलो हो गया, वो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 23 का तीसरा, इट इज, हाँ इट इज, अच्छा आप आंसर दे रहे हो कि इसमें ऑप्शन था क्या? ठीक है, सही बोल रहे हो ना, अच्छा आप इसका आंसर दे रहे हो। देखो वर्क डन इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है ना? तो ऑप्शन ये गलत हो गया उस हिसाब से, क्योंकि ये पूछ रहा है जो गलत बात है वो बतानी, ये सही बात है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी सही बात है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये एक गलत बात है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है जो अपन लोगों ने निकाला था उस टाइम पे जब अपन लोगों ने वेट को वर्क पढ़ लिया था, मैंने पढ़ लिया था एक्चुअली। इट्स यूनिट इज जूल, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये सही बात है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना?
अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जब बॉडी होती है तब क्या होता है? ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, एक मीन पोजीशन पे बॉडी रहेगी, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। कैन मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज ऑलवेज ऑलवेज एट रेस्ट, स्थायी अवस्था में रहती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलती है। कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्या आंसर हो सकता है? ओके ओके मुकेश वेलकम, आंसर कर रहे हो आप लोग। क्लास स्टार्ट होता है 12:30 दोपहर में केमिस्ट्री बायोलॉजी, सुबह 11 बजे आना एकेडमी पर, और 6:30 बजे फिजिक्स, रोज शाम को 6:30 बजे यहाँ, ठीक है ना? 6:30 से स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है आ जाइए। इक्विलिब्रियम में कब होगी, क्या आंसर किया है? ए इट कैन मूव विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जहां आ गया वहां पे वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट, एक वेलोसिटी ज्यादा फाइनल, इनिशियल कम, ठीक है ना? तो ये आंसर गलत है, इक्विलिब्रियम वाला रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे होगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, वो अपनी पोजिशन से हिला ही नहीं है, रेस्ट रेस्ट कंडीशन रेस्ट होती है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जब बॉडी एक मूवमेंट भी शो करे और एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट शो करे, यानी कांस्टेंट मोशन शो करे, और कांस्टेंट मोशन जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड होता है ना? वेरिएबल एक्सेलरेशन भी गलत है, रेस्ट भी गलत है, कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? 25 पे आ जाओ। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ मोशन इफ, ये लिखा है, इफ इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड। जो एक्सिस ऑफ एक ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, इसका एक्सिस खुद का जो है ये है, अगर ये टच हो जाता है किसी, घूमते घूमते यहाँ से घूमा ऐसे करके, ऐसे घूमा घूमते घूमते इसकी एक्सिस जो है ये खुद टच हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से, इधर टच हुआ फिर इधर टच हुआ, ये टच होता हुआ घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, खुद भी घूम रहा है और टच भी हो रहा है, ठीक है ना? ऐसे टच होता जा रहा है, ऐसे टच होता जा रहा है ना? ये टच होता जा रहा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारा भी, तुम्हारा तो देख ही सबका, तुम्हारा तो सही आता है ना आंसर, तुम्हारा मुझे पता है यार, ठीक है? जहां दिक्कत होती है वहां पे पहले बोलता हूं मैं, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन आंसर क्या? ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम, ठीक है? इसमें कहाँ टच हो रहा है बताओ, ऑसिलेटरी कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? हाँ स्पिन मोशन होगा, ये स्पिनिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है लेकिन उसके ऊपर ही लुढ़क रहा है, उसके ऊपर ही लुढ़क रहा है, स्पिन मोशन बोलते हैं इसको, इसको ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों बोला जाते हैं, स्पिन भी बोलते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये स्पिन मोशन है, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? स्पिन मोशन। सर्कुलेटरी आप जानते ही हो तो वो नहीं होगा, उसमें टच नहीं करता, ऑर्बिटल में टच नहीं करता, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। 26वां क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ पर्सन एट अ हाइट 2 r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये r रेडियस है अर्थ की, इससे सरफेस से ऊपर 2 r और हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे वेट क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी बता दो, सेम वेट रहेगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। हाँ जी बिकम्स थ्राइस, बिकम्स थ्राइस। वेट मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस पे होता है, क्योंकि यहां पे जी मैक्सिमम होती है, ठीक है? सरफेस से दूर जाते हैं तो जी घटती है तो वेट भी घटेगा, सरफेस से अंदर जाते हैं तो जी घटती है तो वेट भी घटेगा, ये बात आपको मैंने ढंग से समझाई थी ग्रेविटेशन में, है ना? तो सरफेस पे वेट मैक्सिमम रहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम रहती है, और वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है ना? वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है? वो फोर्स ही तो होती है, वेट डब्ल्यू ही तो एफ होती है, जो किस फॉर्मूले से निकाली जाती है? आपने क्या करा है, आपने रेडियस कर दिए 3 2 r + r, 3 r कर दी है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर पहले था वेट ऑब्जेक्ट का जब वो सरफेस पे था, यहाँ ये वेट था, अब ये ऊपर गया, डब्ल्यू डैश निकालोगे, नई फोर्स जो लगेगी इस पे वो कैसे लगाओगे, जी एम वन एम टू अपॉन थ्री आर का होल स्क्वायर नहीं करोगे, आर की जगह थ्री आर नहीं रखोगे, अब आर की जगह थ्री आर नहीं रखोगे, अरे बढ़ भैया बढ़ तो कभी सकता ही नहीं है, सरफेस अर्थ के सरफेस से अगर आप दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता है, तो वेट कैसे बढ़ सकता है, वेट जो होता है वो डब्ल्यू इजल टू एम जी ही तो होता है, और जो जी होता है ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं इस एम का इसमें गुणा कर सकता हूं तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, यही तो फोर्स होती है, देखो एम जी को मैं लिख दिया मैंने, जी की जगह लिख दिया मैंने जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो बिकम्स 1/9 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, सारे फॉर्मूले कनेक्टेड है एक दूसरे तीसरे से, सब कनेक्टेड होता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बताओ कोई दिक्कत, आप डबल आप मल्टीप्लाई करने की तो सोचना भी मत, जब सरफेस से अवे जाएगा और जब ये सारे पांचों एटमोस्फेयर की सारी लेयर्स को क्रॉस कर जाएगा ना ऑब्जेक्ट, वायुमंडल के बाहर चला जाएगा यानी एक्सोस्फीयर के बाहर चला जाएगा, तो जी हो जाएगा जीरो, वहां सैटेलाइट टंगी रहती है, खिंचती नहीं है ग्रेविटी से, क्योंकि जी जीरो होता है और वेट होता है उसका जीरो, वो होती है वेटलेसनेस वाली कंडीशन, वेटलेसनेस यानी वजन रहित कंडीशन, बिकम्स 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, 26वें का 27वें पे आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी यानी हवा का वेग निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, कूलम्ब मीटर, कूलम मीटर, एनिमोमीटर, काइनोमीटर या फिर क्रोनोमीटर, लास्ट वाला क्वेश्चन सेम फॉर्मूला वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा था कि मुझे वेट पता लगाना है किसी ऑब्जेक्ट का जो पहले तो था यहाँ पे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ का सेंटर है, ये इसका सेंटर है, मान लो ये इसका अर्थ है, अर्थ का मास है एम ई, इसका मास है ऑब्जेक्ट का एम ओ, इसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, जी एम ई इंटू एम ओ अपॉन आर स्क्वायर लगती है, तो यही तो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, जो असली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है दो ऑब्जेक्ट दो मासेस के बीच में लग रही है, लेकिन वो लग किस पर रही है, मेनली छोटे ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, यही वेट होता है, रियल वेट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, अब यही वेट आप उठा के लेगा यहाँ पे 2r डिस्टेंस बाहर तक, ठीक है, तो अब इसकी जगह जो फॉर्मूला बनेगा w डैश बनेगा f डैश बनेगा, वो क्या बनेगा, g तो वही रहेगा, m e m o सेम रहेंगे, लेकिन r की जगह आप 3r कर दोगे, 2r plus r, तो ये 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो वेट कितना हो गया, अपॉन में 1/9 r स्क्वायर आ गया, ऊपर g m e m o आ गया, इसको अलग से देखोगे आप तो आपको क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू बराबर है w के, इस w के, तो आप बोल सकते हो w डैश इज इक्वल टू w अपॉन 9, जिसका ओरिजिनल वेट था वो बटे में 9 हो गया, और जब w 9 हो रहा है तो g भी 1/9 होगी, एक्सेलरेशन भी 1/9 होगा, क्योंकि w डैश बराबर आप w बटे 9 करोगे, w डैश की वैल्यू होती है mg, जो नया वेट है उस पर एक्सेलरेशन अलग होगा, और जो रियल वेट है डब्ल्यू उस पर जी लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 9.8 वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखना जी की वैल्यू 9.8 यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, और इसे देखोगे अगर आप तो एम से एम काट के देखो तो जी डैश जो है नई जी जो आई है वो भी जी बटे 9 हो जाएगी, जैसे मून पे जी बटे 6 हो जाती है, डब्ल्यू बटे 6 हो जाता है, ऐसे ही इतनी हाइट पे जी जो है 9.8 वो बटे 9 हो जाएगी और डब्ल्यू भी बटे 9 हो जाएगा, ठीक है, हाँ इट्स ओके, तो ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई राकेश जी, एनिमोमीटर सही आंसर इसका, ठीक है ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये तो इजी क्वेश्चन है, जो ये कंसेप्ट बताया ये समझ में आया ना, ये जो एक्सेलरेशन का जो ये फंडा है इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत आसान होता है, बहुत आसान, वो घुमा घुमा के ऐसी बातें बोलेगा, एक एक सैटेलाइट है उसको हम वहां से बाहर भेजते हैं स्पेस के अंदर, फिर क्या हो जाएगा बताओ उसमें, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी उसकी कम हो जाए, तो आपको पता होनी चाहिए वेलोसिटी जुड़ी हुई है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन जब है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, जीरो एक्सेलरेशन पे यूनिफॉर्म मोशन होता है, कुछ एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ,
लास्ट दो तीन क्वेश्चंस रह गए आज के, जल्दी देखते हैं फटाफट से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए आज। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश, यानी एक तो इस पे चीज है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक चीज इस पे नहीं है, दोनों के नाम बता दो, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, जल्दी बता दो इसका आंसर, फटाफट बता दो यार एक बार इसका आंसर। इनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिन पे कुछ है और कुछ नहीं है। क्या है? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन नो वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो ये वाला होगा, ये नहीं है वाला है, ये है वाला है। ठीक है, एस एस बी आंसर, बी आंसर क्यों करा है? मैग्नीट्यूड होता है इन पे, है ना? तो शेफाली तुम्हारा आंसर सही है शायद, मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है, तो यही तो आंसर सही है। पहला देखो कंफ्यूज कर रहा है, बी में उल्टा बोल रखा है ना, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड, नहीं ए आंसर गलत हो जाएगा भैया 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 भैया, एक सेकेंड रुको, हाँ मैग्नीट्यूड पहले आएगा ना, सही तो लिखा है मैं, क्या ध्यान भटक रहा है। ठीक है, और फिर डायरेक्शन बाद में आएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, अब कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं अपन लोग, क्यों? क्योंकि माइंड सेटअप क्या है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने का, जल्दी जल्दी होते जाएं होते जाएं। चलो कोई बात नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पहले आएगा क्योंकि वो पहले ऑप्शन मांग रहा है, मैग्नीट्यूड होने वाले का, और ना होने वाले का बाद में मांग रहा है, डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आंसर गलत था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन सही था क्या तुम्हारा? हाँ तुम्हारा सही था, वेलकम वेलकम। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी जो होती है पानी का घनत्व होता है, वो किस टेम्परेचर पे सबसे मैक्सिमम होता है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है? हाँ सी दीपांशु जी ने कराया, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी कराए इन्होंने 4 कराए राकेश ने, सी कराए मुकेश ने। यार देखो सी ही होता है आंसर, मैंने कल भी बताया था 3 point, आज सुबह वाली क्लास में भी बताया था, केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन ले लिया था, 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है जब डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है, इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में डेंसिटी घटती है और वॉल्यूम बढ़ती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जब डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, बस किस टेम्परेचर के बीच में? पानी के केस में, सिर्फ पानी के केस में 4 से 10 के बीच में, और 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, हाँ 4 सेल्सियस सही आंसर है भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका आंसर दे दो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, देख लो डर नहीं लगेगा कहीं तुम्हें इसे देख के, जल्दी से आंसर दे दो इसका, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख के? सोचना पड़ेगा इसके लिए कम से कम 45 मिनट। हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? जल्दी आंसर कर दो। तो सही आंसर क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं सुबह 12:30 बजे। इस सेशन को एक बार अगर आपके कोई काम की चीज आपको देखने को मिली हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इसको जरूर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, उसके बाद लाइक करना चाहे डिसलाइक करना, इट्स ओके राइट। तो एक बार देख के आप इसको जरूर, कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, है ना? ठीक है तो फिर आज की क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।